छतरपुर के चांदला विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना के बाद लपकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक को एसपी सचिन शर्मा ने लाइन अटैच कर दिया है। विधायक के थाने में 8 घंटे धरने पर बैठने के बाद ये कार्रवाई हुई है। मामला विधायक के मुंडेरी गांव का था, जहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसके पति के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत थाने में 4 घंटे तक नहीं लिखी गई। इसके बाद घटना की जानकारी विधायक को लगी तो वह थाने पहुंचे। विधायक द्वारा वजह पूछने पर थाना प्रभारी ने नहीं सुनी। इसके बाद विधायक थाने में ही धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने की सूचना बीजेपी के नेताओं को लगी तो बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन से लोधी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विधायक के साथ हुई बदतमीजी पर टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। टीआर का विवाद था, मैं एक गूंगी महिला का एफआईआर नहीं की जा रही थी, तो माननीय विधायक जी ने कुछ यहाँ टीआई को बोला होगा, उसके बाद वो एफआईआर नहीं हुई होगी। तो जब महिला के परिजनों ने बताया होगा तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे। उस दौरान हॉट टॉक यहाँ हुई, गर्मा गर्म की बात हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सबने देखा है। एक महिला भी आवेदन लेके आई थी कि उसने उसके साथ छेड़खानी करी है, इसी में विधायक जी उस महिला के साथ उस आवेदन को लेकर आए थे और वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की विवाद हुआ था जिसका संज्ञान लिया गया है। इसमें जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन संबद्ध किया गया है, जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर के अधिकारी को दी गई है और जो भी इसमें तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।